Hello everyone, I am Chandan Chaurasia, Motivational Speaker and Career Coach. I welcome you to my YouTube channel Miracle CKC. Friends, आज मैं आपके लिए Q&A session लेके आया हूँ. दो दिन पहले मेरा एक सेमिनार था एक कॉलेज में, जहाँ पे 500 plus students आए हुए थे और students का जो level था class 10 से लेके PG तक के students थे. तो बहुत सारे students का answer तो मैं सेमिनार के end में दे दिया, लेकिन बहुत सारे students जो question नहीं पूछ पाए या फिर उनका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया, उनको मैंने अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दिया, तो मुझे कम से कम 50-60 क्वेश्चन मुझे मिले हैं. तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन पिक करके आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं आंसर करूं, क्यूएनए सेशन एक बनाऊं. तो ये क्यूएनए सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे. फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पूरा वीडियो. चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं अपना Q&A सेशन एपिसोड 1. सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है पूजा पटेल का. पूजा पटेल पूछती है, सर टेकिंग बोर्ड एग्जाम इन 2019 वांट टू बिकम डॉक्टर, प्लीज गाइड. पूजा, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ. जहां तक डॉक्टर की बात है, सबसे पहले तो आपको साइंस सब्जेक्ट से 11-12 करना होगा, एंड मेक्स योर पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट. जब आप 12th में होते हैं तो आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको नीट बोलते हैं. नीट में क्वालिफाई करने होंगे, 12th एग्जामिनेशन पास करना होगा, एंड आपके नीट के स्कोर पे आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलते हैं एमबीबीएस का. ये पूरा प्रोसेस होता है एमबीबीएस का. आपको एमबीबीएस में पूरा डिटेल्स वीडियोस देखना है तो आप वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द हाउ टू बिकम डॉक्टर पे एक वीडियो बनाने वाला हूं. चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन ममता नायक का है. ममता नायक बोलती है, सर करेंटली आई मीन 12th वांट टू परस्यू एमबीए, शुड आई गो फॉर बीएमएस और बीकॉम. ममता जी, मैं आपको बता दूं, एमबीए पीजीडीएम करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो डिग्री है. आप बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, बीएमएस हो या फिर इंजीनियरिंग किया है, डजंट मैटर, आप एक डिग्री ग्रेजुएट होनी चाहिए एग्रीगेट 50% मार्क्स के साथ. बट अगर आप ये श्योर है आपको एमबीए पीजीडीएम में जाना है, तो यस, बीएमएस बीबीए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है. रीजन है उसके पीछे, जब आप एमबीए कॉलेजेस या पीजीडीएम कॉलेज में जाते हो तो ज्यादातर वहां पे आपको प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दिए जाते हैं. अगर आप अभी इसी लेवल पे बीएमएस या बीबीए में आप एडमिशन लेते हो तो ये पूरा थियोरी सब्जेक्ट होगा, और यू कैन से इट्स अ बेसिक ऑफ योर एमबीए एंड पीजीडीएम. तो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएंगे एमबीए पीजीडीएम के लिए. चलिए अगला क्वेश्चन पिक करता हूं. अगला क्वेश्चन है, आनंद पारेख पूछते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग. आनंद, सबसे पहले आपको 11-12 साइंस से करना होगा, पीसीएम सब्जेक्ट से. पीसीएम सब्जेक्ट में आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए, और आपको जेई मेंस की एग्जामिनेशन अपियर करने होते हैं, जो एक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. जेई मेंस के बेसिस पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं. जेई मेंस का सबसे टॉप कॉलेज है वो एनआईटीज है, जो लगभग हर एक स्टेट में अवेलेबल है. जेई मेंस आप एक बार क्लियर करते हैं तो आप जेई एडवांस के लिए अपीयर कर सकते हो. जेई एडवांस क्लियर करने के बाद आपको आईटी जैसे टॉप रेटेड कॉलेजेस मिल सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन है नीलू रॉय का. नीलू रॉय पूछती है, सर करेंटली आई एम इन 10th क्लास, वांट टू बिकम टीचर इन फ्यूचर, हैव नो आइडिया, प्लीज गाइड मी. नीलू, सबसे पहले आपको टीचर बनना है, आपने डिफाइन नहीं किया किस लेवल का टीचर बनना है. मैं मान के चलता हूं कि आपको जूनियर कॉलेज का टीचर बनना है. नीलू, देखिए बहुत सारी चीजें होती है. आप एक स्कूल का टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए क्राइटेरिया अलग होता है, जूनियर कॉलेज के लिए अलग होते हैं. प्रोफेसर बनना चाहते हो डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का, उसके लिए अलग होते हैं. मैं आपको बता दूं, अगर आप हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज का टीचर बनना चाहते हो तो आपको करने होंगे ग्रेजुएशन. आप जिस सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हो उसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करें.
आप बीएड करें और बीएड के बाद आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर कॉलेज के लिए या फिर हाई स्कूल के लिए। अगर आप डिग्री कॉलेज या पीजी लेवल का प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट सेट क्वालिफाई करना होता है और फिर आप अप्लाई कर सकते हो कॉलेजेस में। अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको पीएचडी करना भी मस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमित नागराज का। अमित नागराज बोलते हैं, थैंक्स फॉर गाइडिंग अस फॉर एमबीए पीजीडीएम इन सेमिनार। थैंक यू वेरी मच अमित। कुडंट अपीयर इन कैट, व्हाट टू डू नाउ, प्लीज हेल्प। अमित बोलते हैं, सर मैं कैट में अपीयर नहीं कर पाया, अभी कोई रास्ता है क्या एमबीए पीजीडीएम करने का? अमित अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं या फिर फॉर्म का डेट निकल चुका है। अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो मैट का है, फेब्रुअरी मैट आप अपीयर कर सकते हो, एटमा का ऑप्शन है और महाराष्ट्र सीईटी का ऑप्शन है। आप मैट के थ्रू भी 1000 प्लस एमबीए बी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो नो नीड टू वरी। आप मैट का प्रिपरेशन कीजिए, महाराष्ट्र सीईटी का प्रिपरेशन कीजिए और आप अच्छे कॉलेजेस में आई एम श्योर आपको एडमिशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैं ये कुछ 5 क्वेश्चन पिक किया था आउट ऑफ 50-60 क्वेश्चन आई रिसीव्ड इन माय ईमेल एंड व्हाट्सएप, और बहुत सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है, मैं अगला एपिसोड में इसको लेके आऊंगा। आपके मन में भी कुछ करियर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पिक करूंगा। आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड मुझे फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।